कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ टिकट के लिए, सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए या तो पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि पार्टी से नाराज होकर अपना इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ही सिर्फ ये होती है मुझे तो चुनाव लड़ना है, उनकी और कोई इच्छा नहीं है। पिछली दफ़ा भी जब, जैसा आपने भी शुरू में प्रश्न किया था कि पिछली दफ़ा भी टिकट आपकी फाइनल हो गई थी, तब भी वो लेडीज सीट थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और हमारे साथ हैं कुहाट वाट के समाजी के नेता संजय बगरिया जी। संजय बगरिया जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, सर कितना जायज है किसान आंदोलन? देखो, जहाँ तक प्रश्न है किसान आंदोलन कितना जायज है या नहीं है, ये शायद मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि किसान भारत का अन्नदाता है और इतनी ठंड में अगर इतने दिनों से वो लोग दिल्ली के चारों ओर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और जो बिल पास हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मेरे ख्याल से सरकार को सुनना चाहिए। और सरकार जो नहीं सुन रही है, बिल सही हैं या नहीं है वो तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन जो व्यवहार सरकार किसान के साथ कर रही है वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बिल्कुल अनुचित है। सरकार की जो ये एक तरीके से जिद है कि हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, सरकार को बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। और जो हमारा किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे किसान के बारे में निश्चित रूप से जो हमारे किसान चाहते हैं उनको बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनको सुनना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। सर, दिल्ली के तीनों मेयर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर चटाई बिछाकर ठंड में बैठे हुए हैं, 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। देखिए, फिर वही राजनीति, दिल्ली में बहुत तेजी से राजनीति शुरू हो गई है। तीनों मेयर बैठे हुए हैं निश्चित रूप से, बहुत दिनों से वो लोग भी बैठे हुए हैं और उन्होंने तो अपना कार्यालय भी वहीं से संचालित करना शुरू कर दिया है। और वो कुछ एक, जैसा आप कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, तो दिल्ली के सीएम ने भी और दिल्ली के जो और चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने बार बार कहा है कि 13,000 करोड़ की मांग तो जो है उसको देखा जाएगा, पहले तो जो 2500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है निगम में उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त निगम में सत्ता में है उसको जवाब देना है। ये एक राजनीति से प्रेरित एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और मैं नहीं समझता इससे किसी का भला हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता का ही नुकसान हो रहा है। और दोनों पक्षों को आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। बगरिया साहब, कुहाट वार्ड से पिछली बार आम आदमी पार्टी से आपका टिकट का नाम फाइनल हो गया था, फिर आपने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया आपने? देखिए जायसवाल जी, आपको बहुत वर्ष हो गए हैं और इस क्षेत्र के जो आम कार्यकर्ता से लेकर और इस क्षेत्र के जितने क्षेत्रीय बड़े से बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको आप जानते हैं, उनको आप बार बार कवर भी करते रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं, चले मैं अगर आपकी बात को सत्य मान भी लूं कि अगर ऐसा था, तो आप कम से कम इस बात को तो आप भी पूरा कह रहे हैं ना कि टिकट का लालच हमको नहीं है। आप देखते हैं दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में आप देखते हैं टिकट लेने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या एडजस्टमेंट्स नहीं करते, क्या क्या जोर नहीं लगाते, क्या क्या गलत कार्य नहीं करते। अगर जो आपका ये दावा है, और मैं मानता हूँ कि ये बात काफ़ी हद तक सही है, हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ टिकट के लिए आप अगर पार्टी में आते हैं तो वो एक उचित चीज़ नहीं है। और हमने ये प्रमाणित किया कि हम टिकट के लिए पार्टी में नहीं आए। और आज भी आपने मुझे कहा कि आम आदमी पार्टी, ठीक है भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं आम आदमी पार्टी के किसी पद पे नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के किसी पद पे नहीं हूँ,
परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न उठाया ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और आज के समय में इतना जरूरी है इस प्रश्न का जानना दे जो क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ टिकट के लिए सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए या तो पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि पार्टी से नाराज होकर अपना इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा ही सिर्फ ये होती है मुझे तो चुनाव लड़ना है, उनकी और कोई इच्छा नहीं है, जनता की सेवा करने की उनकी इच्छा नहीं है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन पदों पे वो नहीं हैं वो भी उनका नाम अपने आगे लिख देते हैं। कुछ लोग जो पद नहीं है उसको इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं और जो उनको छोटा सा पद मिला हुआ उसको बहुत छोटे शब्दों में लिखते हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति वो पैदा करके किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं? जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ वो खुद भ्रमित हो रहे हैं और ये जो मानसिकता है ये बहुत ही हानिकारक मानसिकता है। क्षेत्र की जनता को भी समझना चाहिए और जो क्षेत्र के शीर्ष नेता हैं चाहे वो MLA हैं चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं चाहे जिला से संबंधित लोग हैं चाहे प्रदेश से संबंधित लोग हैं ऐसे लोगों पे निश्चित रूप से उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जो आदमी इस प्रकार का कार्य करता है जो है नहीं वो लिखता है उसका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है क्योंकि अगर उसका व्यक्तित्व होता तो उसको इन सब सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं संजय बगड़िया हूँ, लोग मुझे जानते हैं संजय बगड़िया के नाम से, तो ठीक है मुझे इन बैसाखियों की क्या आवश्यकता है, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे जानते हैं, क्षेत्र में लोग मुझे जानते हैं और आज मतलब ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी में तो लोग मुझे कम जानते होंगे। आज कांग्रेस के जितने शीर्ष नेता हैं इतने अच्छा व्यक्तिगत संबंध है, अपना परिवार समझते हैं हमको और परिवार की तरह हम उनके साथ रहते हैं। आप आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस पार्टी में थे मगर कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही, धीरे धीरे खत्म होती सी जा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा वृक्ष है और कई दफ़ा क्या होता है जब वृक्ष का देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती या ऐसा हो जाता है कि अनदेखी हो जाती है तो उसके आसपास झाड़ फूस बहुत उग जाता है और लोगों का उस पेड़ की तरफ दृष्टि ना जाके आसपास जो झाड़ फूस उगता है उसकी तरफ जाता है। इसी प्रकार कांग्रेस ने एक लंबे समय तक शासन किया, लोगों ने उनमें विश्वास रखा और वो लोगों के विश्वास पे खरे भी उतरे। निश्चित रूप से देश ने आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत तरक्की की, हिंदुस्तान बड़े बड़े विकसित देशों के बराबरी में आके खड़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत ऐसे काम किए जो कि हिंदुस्तान में एक लैंडमार्क बने। परंतु क्या होता है कि कई दफ़ा एक लंबा अरसा जब गुजर जाता है तो जनता और जो हमारा नेता होता है उसके बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। अब कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को ज़रूरत है तो जामवंत जैसे आदमी की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ जो वो 23 लोगों ने जो पत्र लिखा हाईकमान को वो इसी दृष्टि में देखना चाहिए कि जामवंत ने हनुमान को जो शक्ति याद दिलाने के लिए जो कार्य किया था, मैं समझता हूँ वो कार्य ये जो 23 लोगों ने किया है इसको उस दृष्टि में सोचे। और कांग्रेस, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आ सकती या लोगों की सेवा नहीं कर सकती, कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से कर सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ लेकिन अभी तेलंगाना में जो चुनाव हुए आप उसमें देखिए सिविक बॉडीज तेलंगाना में जो कि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव नहीं था बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता थे उन्होंने वहाँ पर काम किया और उसका रिजल्ट सामने आया। इसी प्रकार कांग्रेस को पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा और ये पब्लिक को ही महसूस होना पड़ेगा कि जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने देश को यहाँ तक पहुँचाया वो आज भी हमारे साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में हैं, तभी कुछ संभव हो पाएगा। और मेरे को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं और भाई मैं तो समझता हूँ कि मुझे जो सम्मान मिला है कांग्रेस में मैं बहुत धन्यवादी हूँ सबका जिन्होंने मुझे कांग्रेस में जितना सम्मान दिया और आज भी पूरा सम्मान है मेरा कांग्रेस में।
और सर सामने एमसीडी चुनाव है अगले वर्ष, और सर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर लोगों के बीच में जाएगी वोट मांगने के लिए? देखिए, आम आदमी के मुद्दे तो निश्चित रूप से इस वक्त जो एमसीडी में सत्ताधारी पार्टी है उसका भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक तो बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार होगा ही होगा। साथ में पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और मैं नहीं समझता कि जितना कार्य जितना विकास दिल्ली की जो हम बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली नॉर्थ एमसीडी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें उतना कार्य नहीं हुआ जितना कार्य होना चाहिए था। और दिल्ली सरकार ने इतने छोटे से कार्यकाल में, 6 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, तो उन सभी को लेके जाएगी और उन्हीं मुद्दों पे मेरे समझता हूँ जनता वोट भी देगी। बकरिया साहब, एक आखिरी सवाल, अगर कुहाट वार्ड लेडीज सीट हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पिछली दफ़ा भी जब, जैसा आपने भी शुरू में प्रश्न किया था कि पिछली दफ़ा भी टिकट आपकी फ़ाइनल हो गई थी, तब भी वो लेडीज सीट थी और सुनीता बगड़िया के लिए ही वो सीट फाइनल हुई थी। 2007 में भी जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारा ये स्लोगन होता था कि एक पर एक फ्री, तो मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, सुनीता भी एलिजिबल है लड़ने के लिए, और 2007 में मैं मान सकता हूँ कि सुनीता के लिए वो पहल थी। हालांकि वो जिस पारिवारिक परिवेश से आती है वो पूरा राजनीतिक, उन लोगों के घर में राजनीतिक पूरी तरीके से थी। जो मेरे ससुर साहब हैं श्री अमरनाथ सिंगल जी, उनको सामाजिक कार्यों के लिए 2 दफ़ा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिविल डिफेंस में वो चीफ वार्डन के पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा उनका योगदान था। लेकिन सुनीता के लिए 2007 निश्चित रूप से एक मुश्किल समय था चुनाव लड़ना। उस वक्त कांग्रेस की स्थिति भी, क्योंकि सीलिंग चल रही थी तो कांग्रेस को भी हार का सामना करना पड़ा था। पर 2007 से 2020 के बीच में एक बहुत लंबा वक्फा गुजरा है, और सबसे जो हमारे लिए भाग्य की बात है कि हमको बहुत सहयोग मिला, डॉक्टर एससी वत्स साहब का बहुत सहयोग मिला इन 13 सालों में, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब जी का बहुत सहयोग मिला, जयप्रकाश अग्रवाल जी का बहुत सहयोग मिला, कांग्रेस पार्टी का और जितने वरिष्ठ लोगों थे उनका सहयोग मिला, आम आदमी पार्टी में श्री एनडी गुप्ता जी का सहयोग मिला, श्री संजय सिंह जी का सहयोग मिला और पंकज गुप्ता जी का सहयोग मिला, वो कांग्रेस के तो जितने भी नेता हैं उनसे सबसे पारिवारिक संबंध हमने बनाए और हमारे को सम्मान मिला, मार्गदर्शन मिला। तो सुनीता, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से सक्षम है, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी। वो पूर्णतः अगर ऐसी स्थिति आती है कि सीट महिला ही रहती है तो वो भी एक दावेदार हो सकती है, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। और जैसा आपने कहा ये अंतिम प्रश्न है, तो मैं भी एक अपनी अंतिम बात कहकर विराम दूंगा वाणी को, कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक दृष्टिहीन आदमी ने एक समझदार आदमी से ये पूछा कि दुनिया में दृष्टि ना होने से बड़ा दुख क्या है, तो उस समझदार आदमी ने एक ही जवाब दिया, दृष्टि कोण का ना होना, विज़न का ना होना। दृष्टि होना निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास कोई विज़न नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, तो आप ना समाज के लिए कुछ भला कर सकते हैं, ना राजनीतिक क्षेत्र में आप कुछ भला कर सकते हैं। तो दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को विस्तृत रखें, छोटी छोटी बातों में ना उलझें। इन्हीं के साथ हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें।